हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर IAS एकेडमी। सी फ्रेंड्स, आज से हम लोग अपना पेपर 7 जो है छत्तीसगढ़ PSC पेपर 7 मेंस का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका ये लेक्चर 1 है फॉर पेपर 7। टॉपिक जो आपका पार्ट 2 है पेपर 7 का, जो कल मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था, प्लीज़ उसको थोड़ा सा देखेंगे। जिन्होंने आपसे देखा नहीं है, उसमें सब कुछ बता दिया कि आपका सिलेबस किस तरह से पार्ट वाइज डिवाइडेड है। तो उसमें से जो आपका पार्ट 2 है, जहाँ पर आपका लिखा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल, मतलब आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। वहाँ से स्टार्ट करेंगे इस पेपर पे सारा का सारा आपका पेपर 7 का चर्चा करना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये होता क्या है। बिकॉज आपको जो सब्जेक्ट में जो पार्ट का नाम ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपका सिलेबस क्या बोलते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस वर्ड को सबसे पहले बार आपके जो आप स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक आपके क्या थे, लीगलिस्ट थे, जो न्याय बनाते हैं, आपका लॉज बनाते हैं, और उनका नाम था जेम्स लॉर्मियर। क्या नाम था आपका? जेम्स लॉर्मियर। जेम्स लॉर्मियर ने इस वर्ड को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया। और कभी भी कोई वर्ड या कोई भी सब्जेक्ट का नाम आता है, तो इसको ऐसा नहीं होता कि सीधा उसका डेफिनेशन आ गया। उस पे ऊपर बहुत सारे वर्क होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसकी बहुत सारी अलग अलग फाइंडिंग्स होती हैं। उसके बाद देखकर उसका नेचर को पूरा प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो होगा कैसा, क्या है इसके अंदर, हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ों को समझा गया, तब जाकर आपका आपका जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए गए और उससे उसका एक आपका क्या बना, डेफिनेशन बना। और उस पर यह बोला गया कि ऐसा कोई भी संगठन जो कि आपका अलग अलग कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी देता कि वो क्या कर सके, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकें, आपस में जो भी विवाद है, जो भी कन्फ्लिक्ट है, उसको वहाँ पर बैठ के वो रिजॉल्व कर सकें, उनको ये आपस में आकर बैठ के बात कर सकें, डायलॉग कर सकें कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए, आपस में रिलेशन कैसे बनानी है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको ये सारे ऑब्जेक्टिव, जहाँ पर वो अपने नॉलेज को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि आपके ग्लोबल, आपका रीजनल, आपके कंट्री का, और इवन आपका ग्लोबल लेवल पे क्या किया जा सके, पूरे की पूरी कंट्री के द्वारा उसका विकास किया जा सके। तो ऐसा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही इसका डेफिनेशन, तो इसी तरह से आपके देखेंगे लगातार तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने। जैसे कि आपके अगर वर्ल्ड में हम देखेंगे कि जैसे इकोनॉमी का सेक्शन है अर्थशास्त्र, तो आपको इकोनॉमी में उसको जिसकी की पूरा का पूरा वर्ल्ड में एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है। अभी देखो जो रिसेंट आउटब्रेक हो गया आपका किसका, COVID-19, जो कोरोना वायरस का, तो देखिए अभी आपको यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वो पूरे पूरे वर्ल्ड को देखकर चल रही है। और वहाँ पर अभी जो भी आपका मंदी आएगा, जैसा भी होगा आगे चलकर, तो उसके लिए IMF, वर्ल्ड बैंक पहले से तैयार है और काम हो रही है। G20 की अभी मीट हुई, वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि हम इतने पैसे देंगे अगर आर्थिक मंदी आती है उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का ये इंपॉर्टेंस है कि जब भी इस तरह से पूरे का पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में को बनाए रखने के लिए ये कार्य करते हैं। सिमिलरली अगर क्षेत्रीय लेवल पे देखेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आसियान है आपके, सार्क हैं, बीमस्टेक हैं, जो छोटे छोटे एरिया को डिफाइन करके वहाँ पर वो कार्य करते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, तो ये कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है। आपके रीजनल लेवल के भी हो सकते हैं, आपकी ये नेशनल बायलेटरल रिलेशन के थ्रू जब जाते हैं, तो वहाँ पर भी छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन वो बना लेते हैं कभी कभी, या आपका हो सकता है ये पूरा का पूरा ग्लोबल लेवल को लेकर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो ये सारे के सारे चीज़ जो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो टर्म सबसे पहली बार आपका स्कॉटलैंड के जेम्स लॉर्मियर ने दिया था, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस देखा जाए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, तो उसमें सबसे पहले आपका आता है यूनाइटेड नेशन, आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, और उसके साथ जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं उसके संगठन, तो यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सी फ्रेंड्स, इस वाले जो टॉपिक को यूनाइटेड नेशन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है नहीं, तो यूनाइटेड नेशन से हर बार एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर हमको बेसिकली जाना क्या है, कितने डेप्थ में इसको पढ़नी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले तो हम इसका जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्या है ये किस तरह से इसका गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये बना है, धीरे धीरे करके इसकी पूरी एवोल्यूशन में बात करेंगे, उसके कार्य को समझेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि किस किस उद्देश्य से ये कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है हमारे यूनाइटेड नेशन का। इसके साथ साथ जो उसकी एजेंसीज हैं, एजेंसीज बोले देंगे तो आपको जो अलग 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 संगठन हैं जो यूनाइटेड नेशन के लिए कार्य कर रही है, यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर कार्य कर रही है, वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से इससे जुड़ी हुई हैं और कैसे कार्य करती हैं। और हमेशा जब भी हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल में, तो भारत का क्या रोल है या भारत का क्या संबंध है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर भी हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग
सबको स्टार्ट करते हैं आपके यूनाइटेड नेशन, आपका संयुक्त राष्ट्र से। सबसे पहली बात, अगेन कोई भी टॉपिक पढ़ो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उस टर्म्स को किसने लिया है, किसने उस वर्ड को दिया है। अगर ये सब अपने आंसर में यूज़ करते हैं आप तो ये क्या होता है, आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ आंसर लगता है और अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन वर्ड जो है सबसे पहली बार 1942 पे आपके वहाँ पर, उस समय देखिए वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, एंड वर्ल्ड वॉर टू पे दो तरह से पावर डिफाइंड आपका एक दो ग्रुप बनी हुई थी, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर। और अलाइड पावर में आपके कौन कौन आते थे, ब्रिटेन था आपका, यूएसए था आपका, सोवियत मतलब आपका जो अभी का रशिया है, वो सारे थे। तो वहाँ पर 1942 पे जब बात हो रही थी तो वहाँ पर जो यूएसए के उस समय के प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही ये वर्ड दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को समझते हैं, ये आया कैसे। तो देखिए वर्ल्ड में इसके पहले बहुत सारा था, बहुत सारा मतलब आपका अलग अलग रेवोल्यूशन हुए थे, जैसे कि आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चीज़ें बहुत सारी चल रही थी। बट उसके इम्पैक्ट्स आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, आपको सीधा यूनाइटेड नेशन किस तरह से बना वो जानना है। तो हम सब समझते हैं आपका वर्ल्ड वॉर वन, जब प्रथम विश्व युद्ध आपका वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है तो वहाँ पर एक आपकी ट्रीटी होती है, और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। और वर्सेलिस की ट्रीटी में पूरा का पूरा आपका अगर देखेंगे तो जर्मनी के ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम डाल दिया गया था वॉर का, ठीक है। और उसी समय जो आपके जो पावर्स थे वर्ल्ड वॉर वन में, आपके अलाइड पावर अलग थे और आपका वर्ल्ड वॉर टू में अलाइड पावर में कुछ नेशंस का चेंजेस हुआ था, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वॉर वन में जो पावर्स थे अलाइड वाले, उनमें से आपके कुछ नेशंस सामने आते हैं, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में से लगभग आपके 44 नेशन सामने आते हैं कि दोबारा इस तरह से आपका वर्ल्ड वॉर ना हो, पूरे के पूरे दुनिया में एक शांति का बहाल हो। और ये सारे उद्देश्य जो आपका क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इनको लेकर लोग क्या करते हैं, 44 नेशन एक चार्टर को साइन करते हैं और वहाँ से एक आपका लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के अंदर, ठीक है। और लीग ऑफ नेशन बनने के बाद वो पूरा का पूरा उसको कार्य देता है कि आपका वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखना है। पर आपका क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर वन खत्म होता है, कुछ दिनों बाद आपका देखेंगे तो जर्मनी आपका पूरे वर्ल्ड में 1929 की बात करेंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा वर्ल्ड में क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब आपका पूरा का पूरा आर्थिक मंदी हो गई थी। और ये सारी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके जर्मनी में आपका हिटलर वो क्या हुए, पावर पे आए। और पावर पे आने के बाद हिटलर और वो और भी कुछ कुछ देश थे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपने आप को आगे बढ़ाना, वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़कर अपने आप को बहुत आगे करने के लिए कार्य करना स्टार्ट कर दिया। लीग ऑफ नेशन इस चीज़ को ट्रेस आउट नहीं कर पाया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये एक फेलियर भी था लीग ऑफ नेशन का, क्योंकि पूरा का पूरा लीग ऑफ नेशन को बनाया था पर वो उसने अपने मुख्य उद्देश्य से हटकर ये कार्य को किया ही नहीं। तो आगे चल कर क्या हुआ, 1939 आपका क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के बाद पूरा का पूरा जो विश्व था, जो वर्ल्ड था, वो दो ग्रुप में बढ़ गया था, ठीक है। एक को बोलते थे एक्सिस पावर, जहाँ पर आपके इटली और उसके इटली एंड आपके जर्मनी एंड उसके जितने भी थे आपके नाजीज़म, नाजी फोर्स, फाजी, ये सारे के सारे एक साइड थे। और एक तरफ था आपका एलाइड पावर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। तो एलाइड पावर में अगर आप देखेंगे मोस्टली तो आपका ब्रिटेन था, ठीक है, अभी यूनाइटेड किंगडम, आपका अमेरिका एंड आपके आपका सोवियत रशिया। तो ये सारे मिलकर ये वॉर चल रहा था। इसी वॉर के बीच में 1941 पे क्या होता है, एक अटलांटिक चार्टर होता है। प्लीज़ इसको याद रखेंगे, 1941 पे अटलांटिक चार्टर होता है। इस चार्टर में, चार्टर मतलब एक संधि जैसा ही है, और उस पर चार्टर में क्या होता है, आप पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं लिखकर उसके ऊपर, ठीक है। तो वो एक चार्टर होता है, ये किसके बीच होता है, यूएसए और ब्रिटेन के बीच होता है कि। और यहीं पर इसी चार्टर के टाइम पे आपके जो रूजवेल्ट वो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, क्यों ना एक संयुक्त राष्ट्र का गठन किया जाए, ठीक है। तो वाई शुड वी शुड नॉट गो फॉर मेकिंग अ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसके बाद फिर इसकी बहुत सारी बातें होती हैं, डेलीब्रेशंस होती हैं, इसके ऊपर बहुत सारे टॉक्स होते हैं। एंड अगेन इन नेक्स्ट ईयर आपका 1942 में ही उसी समय आपके 26 अलाइड पावर के जो 26 नेशन थे, ये सारे आपस में मिलते हैं कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी पे। और ये जो आपका अटलांटिक चार्टर था इस पे सिग्नेचर किया जाता है, उसको साइन करते हैं, और वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि किसका गठन करेंगे, यूनाइटेड नेशन का गठन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन होती है। फिर अगेन इन लोग आपस में आकर 1943 में एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, संधि आपका क्या होता है, सम्मेलन होता है जिसका नाम था तेहरान कॉन्फ्रेंस। उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस होता है आपका उस आपके 1944 पे, ठीक है। यही बिग थ्री नेशंस, यूएसए, ब्रिटेन एंड आपका रशिया, इनके बाद। उसके बाद जब सारी की सारी बात होती है तो 26 जून 1945 इस दिन यूएन का चार्टर बनाकर पूरा दिया जाता है कि यूएन कैसा होगा, क्या होगा, इसकी पूरी चार्टर बनाई जाती है। और उसी दिन आपका 26 जून को ही आपके वर्ल्ड के 50 नेशन उस चार्टर को साइन करते हैं।
और उसके बाद आपका अक्टूबर, तो इनिशियली 50 साइन करते हैं, बट अक्टूबर में पोलैंड भी इस चार्टर को साइन कर देता है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट अगर देखेंगे तो पोलैंड से ही हुआ था, ठीक है, तो पोलैंड भी साइन कर देता है, और पोलैंड के साइन करने के बाद क्या होता है आपका ये चार्टर को एक्सेप्ट किया जाता है। तो 51 अगर ये है तो कितने 51 नेशन जो ओरिजिनल यूएन का चार्टर था उसको साइन करते हैं। और उसके बाद 24 अक्टूबर, जब अक्टूबर में ये साइन कर देता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र और आपका यूएन का गठन हो जाता है, यूएन फॉर्म होता है, और उस दिन को हम लोग यूएन डे की तरह मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंडिया, इंडिया को भी देख लेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो 30 अक्टूबर, ज़्यादा दिन नहीं, आपके 6 दिन बाद 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया भी आपके यूएन को ज्वाइन कर लेता है। और इस तरह से जो लीग ऑफ नेशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन में। लीग ऑफ नेशन यहाँ से ख़त्म हो जाता है और संयुक्त राष्ट्र शुरू हो जाता है। पर हाँ, कुछ कुछ चीज़ें लीग ऑफ नेशन के सीधी सीधी ऑब्जेक्टिव को आपका यूएन में जोड़ा जाता है, जैसे कि वहाँ पर भी आपके कोड्स को देखेंगे जो लीग ऑफ नेशन के अंदर का कोड था, मैं भी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो वो आगे चलकर हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो आज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये इसका तो हम लोग पुनः फॉर्मेशन और किस तरह से धीरे धीरे ये लीग आपका यूनाइटेड नेशन बना उसके बारे में बात हुई। अब इवोल्यूशन में देखो आपको क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इवोल्यूशन में भी कार्य हो रहा है। और कई जगह पे बात करें, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इसके अलग अलग ऑर्गन को, तो उसमें एक ऑर्गन आता है सुरक्षा परिषद, तो उसमें किसको किस तरह से बड़ा करना है छोटा करना है उसमें बात चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं जब ये बना तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या था, और इसके फंक्शंस कार्य किस किस क्षेत्र में ये कार्य करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव अगर हम देखते हैं तो जो चार्टर है, चार्टर ने कुछ स्पेशली मेंशन किया है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ जितना चार्टर में लिखा है उतने में ही काम करेगा, उसके बियॉन्ड भी ये जाकर बहुत सारी चीज़ों में कार्य करता है। तो जो चार्टर में मेंशन थे ये देख सकते हैं आप, तो इसमें क्या क्या है आपका, मेंटेनिंग वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे के पूरे विश्व में क्या करना है सुरक्षा और शांति का बहाल कराना है। तो जितने भी ये देखना आप इंटरनेशनल रिफ्यूजीज़ वगैरह होते हैं आपका, तो उनको किस तरह से प्रोटेक्शन देना है, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग, फिर से कोई दोबारा युद्ध ना हो, कोई वॉर ना हो, किसी कंट्री का कोई वॉर हो तो उसको शांति देने के लिए बात करते हैं, किसी के बीच लड़ाई होता तो यूएन बीच में जाकर उसको इंटरफेरेंस करने की बात करती है। तो ये सारी चीज़ कराने का इसको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया। उसके बाद कि अलग अलग जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, तो उनके बीच क्या करना है, एक फ्रेंडली रिलेशन बना हो उसके लिए भी इंश्योर कराएगा, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ फोरम, अगर किसी किसी कंट्री के बीच लड़ाई है या कुछ भी है तो उसके लिए एक फोरम की तरह एक्ट करेगा। फोरम वो जगह है जहाँ पर आके वो आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और अपने कॉपरेशन कर सकते हैं बाद में, ठीक है। तो अलग अलग फोरम की तरह एक्ट करेगा फॉर कॉपरेशन अमंग द नेशन। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक जो आपके आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस तक प्रोवाइड करने की बात करता है, ठीक है। कहीं कहीं पर किसी जगह हो सकता है किसी कंट्री में खाने के लिए सामान है तो वहाँ बाकी कंट्री है जिसके मेंबर वो जाकर उसको पैसा देंगे, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कार्य क्षेत्र इनके लिए भी कार्य करता है कौन, हमारा यूनाइटेड नेशन। साथ ही साथ वर्क फॉर इंश्योरिंग द ह्यूमन राइट्स, जो मौलों का अधिकार है, मानव अधिकार, मौलिक अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स, तो उससे भी ऊपर आता है आपका ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और ह्यूमन राइट के बारे में भी आपको सारे के सारे इंश्योर करने की बात बात करता है यूनाइटेड नेशन करता है। और ये तो आपके स्टेटेड थे जो चार्टर के अंदर की बात हो रही, चार्टर के बाहर भी बहुत सारे कार्य हैं जिस पर यह काम करता है, तो वो भी कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका क्या है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो इसके लिए उन लोगों ने पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाया था, और अभी क्या चल रहा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया है। पर्यावरण के रिलेटेड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, और इसको किस तरह से करना है उसके लिए भी ये कार्य करता है। रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, ठीक है, अलग अलग जो वेपन्स बन रहे हैं अभी देखो कोरोना वायरस को कहीं ना कहीं एक तरह से आ रही बात, बायोलॉजिकल वेपन है, संयुक्त राष्ट्र ने बात उठानी चाहिए, उठानी चाहिए, तो ये वही है कि अगर ये बायोलॉजिकल वेपन है तो उसको उठानी चाहिए, तो क्यों उठाएंगे, क्योंकि ये आपका डिसआर्मामेंट और ऐसे वेपन्स के अगेंस्ट भी कार्य करने की बात करता है और ऐसी चीज़ों को कार रोकता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा वो था, रोल प्ले किया था न्यूक्लियर वेपन ने वर्ल्ड वॉर टू को ख़त्म करने के लिए, जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया तो ये हो गया था कि नहीं अब इससे ज़्यादा डिवास्टेटिंग और कुछ हो नहीं सकता उस समय, तो उस चीज़ को रोकना है ताकि कोई भी कंट्री वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऐसा हथियार नहीं बनाएगा जो एक